हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कृषि विज्ञान। देखिए, अब ये कृषि विज्ञान आज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हमने पहले बहुत दिनों से अभी वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है, तो हमको एक स्टार्ट चाहिए था। तो स्टार्ट लेने के लिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए ये पार्ट टू। आपको सभी को मालूम है कि आपका छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसके पार्ट टू का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और ये कृषि विज्ञान भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे ज्यादा जो है वो टॉपिक इसी में दिए गए हैं, सबसे बड़ा जो सिलेबस जो है वो यही है कृषि विज्ञान। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, सिर्फ आज हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ। नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। और पार्ट टू के लगभग लगभग बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट भार्गव क्लासेस यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पार्ट वन पार्ट टू के बहुत वीडियो मिलेंगे। तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया था 229 वीडियो है, वहां पर आप वो सिक्वेंस वाइज देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारे वीडियो है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, पर्यावरण के, सभी के लगभग लगभग वीडियोज है वहां पे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बोला कि नए सिरे से सर वीडियो बनाइए, तो इसलिए वीडियो बनाने की कोशिश आज से जो है वो चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेमो वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आप लोग एक स्टार्ट कर सके, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ने का एक स्टार्ट कर सके। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ये हमारा पेड जो ग्रुप चलता है उसके अंदर में ही सारे पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाकर ले लीजिएगा। आज के बाद जितने भी वीडियो मिलेंगे वहीं पर आपको पेड ग्रुप में जो है वो ये पीडीएफ जो है वो सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, पार्ट टू देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान है क्या, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र एवं नवीनतम विज्ञान पर आधारित है, ठीक है, नवीनतम विज्ञान पर आधारित है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, ये जो कृषि विज्ञान है ना, कृषि प्लस विज्ञान समझ लिए, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तब आप जो है वो कृषि को उन्नत कर पाओगे, ठीक है। जो कृषि हमारी खेती है उसको आप पुराने जमाने में चले जाओ, हाथ से जो है वो बुआई होती थी, कटाई होती थी, ठीक है, पानी का छिड़काव होता था, कीटनाशक का छिड़काव होता था, सारा कुछ जो है वो हाथ से करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मजदूर, बहुत ज्यादा लागत, सब कुछ लगता था, ठीक है, और फसल उतनी नहीं हो पाती थी। जैसे ही इसके अंदर में हमने विज्ञान जोड़ दिया तो क्या हो गया, कृषि बेहतर हो गई। अब सारा आधुनिक जो है उपकरणों से सारा काम होता है कृषि में, उत्पादन भी जो है वो अच्छा होता है, और हमारे GDP का लगभग लगभग आधा हिस्सा जो है वो हमारी कृषि से जो है वो आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जब कृषि के साथ में विज्ञान जुड़ गया तो कृषि में क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया, और यही जो है वो कृषि विज्ञान है, समझ लीजिए। एक बहुत छोटा सा जो है एक एग्जाम्पल के टाइप से मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि कृषि के साथ में विज्ञान जुड़ा और विज्ञान में क्या हो गया, वैज्ञानिक जुड़े। वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन्नत करते हैं, जो भी कार्य होता है उसको अच्छे से अच्छा करने का कार्य जो है कौन करता है, विज्ञान करता है, जो वैज्ञानिक करते हैं, जिससे किसान जो है और स्वावलंबी हो जाता है, उसको जो है मजदूरों की आवश्यकता कम हो जाती है और भी मशीनरी से उसका जो है काम आसान हो जाता है, ठीक है। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि सन 1962 से 1972 तक शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का विचार किया था। तो याद रखिएगा, 1962 से 1972 के बीच में कृषि केंद्रों का जो है वो स्थापना का विचार किया गया था। भारत में लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका जो है वो कृषि से कमाती है। यह कई कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको समझाता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़े हैं। देखिए, किसान जो है वो खेत में किसानी करता है, ठीक है, उस फसल से जो है वो उद्योग चलते हैं। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे किसान ने आलू जो है उगाया तो आलू से क्या उद्योग चलता है, आलू चिप्स बनाया जाता है, तो इससे जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है आजीविका जो है वो चलती है। खेत से जो फसल निकली वो कहां पर पहुंची, आलू जो है फैक्ट्री में पहुंचा, फैक्ट्री से आलू चिप्स बना और आलू चिप्स से हम तक पहुंचा, तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहां से आप समझ गए होंगे।
और इसी पर आधारित जो है कच्चे माल से, कृषि से जितने भी कच्चा माल होता है बहुत सारा होता है, आलू ही नहीं बहुत सारे जो होते हैं सब कुछ होता है, फलों से जो उसका जूस निकलता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारा जो है वो जुड़ा हुआ है, 65% लगभग जो है वो खेती किसानी में भारत के लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम कृषि को वर्गीकृत करते हैं। तो कृषि को वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। तो यहां पर पहला पॉइंट है निर्वाह कृषि, जिसको हम जीवन आधारित कृषि भी कहते हैं, जीविका आधारित कृषि भी कहते हैं निर्वाह कृषि को। इस कृषि में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार का समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्यतः रूप से मानसून पर निर्भर होती है और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। जैसे कि किसान अपने लिए जो फसल उगाता है उसी को मान लीजिए, ठीक है, अपने खाने के लिए जो है फसल उगाता है, अपनी जीविका या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो वो फसल करता है या खेती करता है उसी को हम कहते हैं निर्वाह या जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। इसमें कौन कौन से उदाहरण में, तिलहन, दाल, सब्जी और गन्ना के साथ अनाज की खेती, ठीक है। दूसरे खेती की तरफ चलते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर में वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, व्यापार। तो व्यापारिक कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये देखिए बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर में आप बहुत सारी फसलें ले सकते हैं, कपास है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, और भी जो अनाज होते हैं वो सारे वाणिज्यिक कृषि के अंदर में आते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपको बताया। देखिए बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये यहां से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हमको एक स्टार्ट चाहिए था इसलिए हम कृषि विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है मिश्रित खेती। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में भी जो है मिश्रित चीज का क्या किया गया, जिक्र किया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है हमारी। मिश्रित कृषि में क्या होता है, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो इसे मिश्रित कृषि या कहते हैं, ठीक है। फसलों उत्पादन के साथ साथ में जब पशुपालन का आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती में फसलों उत्पादन के साथ साथ केवल दुधारू गाय एवं भैंस पालन तक ही सीमित रह गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिश्रित कृषि का मतलब आप समझ गए होंगे। स्थानांतरित कृषि, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर, मतलब कि जंगल को जलाकर क्या किया जाता है, और उसकी साफ सफाई करके उस भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है 4 से 5 सालों तक, ठीक है। उसके बाद में आता है झूम खेती। झूम खेती इसी का उदाहरण है एक, ठीक है। झूम खेती जो है स्थानांतरित कृषि का एक उदाहरण है, लेकिन हमने इसको एक पॉइंट के रूप में ले लिया क्योंकि पूछा जाता है। तो फसल स्थानांतरण का यह तरीका अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसे असम में झूम खेती कहते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोंडू, मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है। और ये इसलिए लिया गया है क्योंकि ये पूछा गया जो है प्रश्न है झूम खेती के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में छठवां होता है गहन कृषि। अब गहन कृषि क्या होता है, तो कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें ली जाती है या बोई जाती है, उसको हम कहते हैं गहन कृषि, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में सातवां होता है रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्या होता है, तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक मतलब व्यवसायिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसलें उगाई जाती है, जिसको हम व्यापार के लिए उगाते हैं। चाय, कहवा, काजू, ये सारा क्या होता है, व्यापार के लिए उगाया जाता है, ना कि घर में खुद के खाने के लिए उगाए जाते हैं, तो ठीक है, इसको हम व्यापार के लिए उगाते हैं। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा 7 प्रकार के कृषि। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं अब यहां पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कृषि विज्ञान प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान आदि को समेटे हुए एक बहुविषयक क्षेत्र है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान क्या है, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान आदि को समेटे हुआ है। तो कृषि विज्ञान में हम बहुविषयक क्षेत्र कहते हैं इसको। इस क्षेत्र में निम्नलिखित पर अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाते हैं, उत्पादन तकनीक जैसे कि सिंचाई प्रबंधन,
अनुशासित नाइट्रोजन इनपुट। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कृषि प्लस विज्ञान बता दिया था, तो वो ही आपको यहां पर ध्यान रखना है। विज्ञान में क्या क्या आता है, विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं। पहले जो कृषि होती थी वो बारिश पर निर्भर होती थी, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, सिंचाई का प्रबंध कर दिया, बांध बना दिए हैं, तो ये क्या है, विज्ञान है। ठीक है, नाइट्रोजन हम इनपुट करते हैं, जैविक खाद डालते हैं, ठीक है, छिड़काव करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान प्लस कृषि, तो कृषि विज्ञान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कृषि उत्पादन में सुधार, जैसे कि सूखा झेलने वाली फसलें तथा पशुओं का चयन, कीटनाशकों का विकास, खेती संवेदन प्रौद्योगिकियां, फसल वृद्धि के सिमुलेशन मॉडल, इन वायलेट्रो सेल कल्चर तकनीक, मतलब कि जितने भी तकनीक है वो क्या है, कृषि के लिए विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उत्पादकों का अंतिम उत्पादकों उत्पादों में परिवर्तन, जैसे कि डेयरी उत्पादन उत्पादों का उत्पादन, संरक्षण और पैकेजिंग। तो प्राथमिक जो उत्पादन है उसका हम कहां तक, उसके पैकेजिंग तक। ठीक है, मतलब जो भी उत्पाद हो रहा है उसका प्रोडक्शन पूरा जो है वो। ठीक है, विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव के रोकथाम तथा सुधार, जैसे कि मृदा निम्नीकरण, कचरा प्रबंधन, जैव पुनः विचार। और ये जो मृदा निम्नीकरण है, ये मृदा पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। वैसे ही सैद्धांतिक उत्पादन पारिस्थितिकी, ठीक है, फसल उत्पादन मॉडलिंग से संबंधित परंपरागत कृषि प्रणालियां, कई मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कृषि प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं, जीविका कृषि के बारे में भी बता दिया, जीविका कृषि। ठीक है, जो विश्व के सर्वाधिक गरीब लोगों का भरण पोषण करती है, ये परंपरागत पद्धतियां काफी रुचिकर है, क्योंकि कई बार ये औद्योगिक कृषि के बजाय ज्यादा प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था के साथ समाकलन का स्तर कायम रखती है, जो कि कुछ आधुनिक कृषि प्रणालियों की अपेक्षा ज्यादा दीर्घकालिक होती है। इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी था तो यहां पर ऐड कर दिया है, ये पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहां पर वही कृषि विज्ञान के फायदे के बारे में बताया गया, जैसे कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा कायम रखने में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक ही क्या करते हैं, विज्ञान लाते हैं। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक खेती, फसलों तथा पशुओं पर अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो इन पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तथा उनकी मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्ग तैयार करते हैं। तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उसके उत्पादकता में और पशुओं के ऊपर अध्ययन कर उसको और गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कौन करते हैं, तो वैज्ञानिक करते हैं। वे कम श्रम के साथ में फसलों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करते हैं, कीट तथा खरपतवारों पर सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रण और मृदा तथा जल संरक्षण में सुधार के उपायों के सुझाव देते हैं। कौन देता है, वैज्ञानिक देता है। वे कच्चे कृषि माल को उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक तथा स्वास्थ्य कर खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की पद्धतियों से जुड़े अनुसंधान कार्य करते हैं। ठीक है, यही है कृषि एक विज्ञान है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कृषि विज्ञान। ठीक, कृषि विज्ञान तथा जैविकी विज्ञान से निकट का संबंध है, तथा कृषि वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी समस्याओं को हल करने में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणितीय और अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। वे मौलिक जैविकी अनुसंधान तथा जैव प्रौद्योगिकी जरिए प्राप्त ज्ञान को कृषि के उन्नति के लिए लागू करने के लिए अक्सर जैविक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो सारा कुछ जो विज्ञान है वो मिलजुल कर कार्य करता है, किसको, कृषि को उन्नत करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर में रसायन विज्ञान भी आता है, जीव विज्ञान भी आता है, भौतिक भी आता है और गणित भी आता है। तो सारा कुछ जो है वो इंक्लूड होता है, इनका मतलब है यहां पर। ठीक है, कई कृषि वैज्ञानिक मौलिक तथा अनुप्रयोग अनुसंधान तथा विकास के कार्य क्षेत्र करते हैं, अन्य अनुसंधान और विकास कार्यों का प्रबंधन तथा संचालन करते हैं, अथवा उन कंपनियों में विपणन या उत्पादन का कार्यों का प्रबंधन करते हैं जो खाद्य उत्पादकों या कृषि रसायन के उत्पादन, आपूर्ति तथा मशीनरी से जुड़ी हुई है। कुछ वैज्ञानिक जो है वो कृषि विज्ञान बिजनेस फार्मों, निजी ग्राहकों या सरकार के परामर्श दर्शकता के दौर पर कार्य करते हैं। मतलब यही हुआ कि जो वैज्ञानिक है वो विज्ञान का उपयोग कर कृषि को अच्छा और बेहतर करते हैं, मशीनरी और बाकी सारे चीजों को जोड़कर। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर, देखिए क्या है खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी विद सामान्यतः खाद्य संसाधन उद्योग, विश्वविद्यालय या संघीय सरकार में नियुक्त किए जाते हैं। वे स्वास्थ्य परक, सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य उत्पादकों की उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य विज्ञान है। पादप विज्ञान क्या होता है, इसको हम पहले बात, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक डेमो क्लास है, इसलिए हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, उसका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, और उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे।
तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पादप विज्ञान में क्या होता है, तो पादप विज्ञान में कृषि विज्ञान, फसल विज्ञान, कीट विज्ञान तथा पादप प्रजनन को शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये चार जो चीजें हैं इनको पादप विज्ञान में शामिल किया गया है। मृदा विज्ञान जो कि बहुत बड़ा है और आपके सिलेबस में मृदा से ही क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति पौधों या फसलों के विकास से जुड़ी मिट्टी के रासायनिक, भौतिकी, जैविकी तथा खनिजीय संयोजक का अध्ययन करते हैं। वे उर्वरकों, जुताई के तरीकों और फसल चक्र क्रम को लेकर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के प्रत्युत्तरों का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर में मृदा विज्ञान आ जाता है। पशु विज्ञान में पशु ही आएंगे। ठीक है, तो पशु वैज्ञानिक कार्य क्या होता है, मांस, कुक्कुट, अंडों तथा दूध के उत्पादन तथा प्रोसेसिंग के बेहतर और अधिक कार्यकार तरीकों का विकास करना। डेयरी वैज्ञानिक पशु प्रजनन तथा अन्य संबंध वैज्ञानिक घरेलू फॉर्म पशुओं के अनुवांशिक पोषण, प्रजनन, विकास तथा उत्पादन से जुड़े अध्ययन करते हैं। तो ये पशु विज्ञान में आ जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कृषि विज्ञान। देखिए, कृषि विज्ञान में इसकी शाखाएं जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भूमि को जोतकर उस पर फसलों व अन्य पादपों को उगाने के मानवीय प्रयत्न को कृषि कार्य कहा जाता है। इस प्रकार भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अब यहां से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान की शाखाओं में क्या होता है, जो यहां पर मैं आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे नाम आपको क्या करना है, याद कर लेने हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है, एग्रोनॉमिक्स में ये विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो ये फसलों का प्रबंधन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, भूमि एवं फसलों का। ठीक है, तो याद रखिए एग्रोनॉमिक्स में क्या होता है, भूमि व फसलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, घास का अध्ययन किया जाता है, घास के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, या घास के अध्ययन का विज्ञान होता है। एग्रो, एग्रो मतलब घास, तो याद रखिए एग्रोस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये आईएमपी है। उसके बाद में एपिकल्चर, एपिकल्चर आप सभी जानते हैं, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी पालन, तो एपिकल्चर इसके अंदर में आता है। आर्बोरिकल्चर क्या होता है, तो विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, उसको शामिल किया गया है। वनस्पति विज्ञान, तो पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन जो होता है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। उद्यान विज्ञान क्या होता है, फूल, फल, सब्जियों, सजावटी पौधों आदि के उगाने के प्रबंधन का अध्ययन क्या होता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है, हॉर्टिकल्चर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स ये क्या होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है, मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पेलियोबॉटनी क्या है, तो पेलियोबॉटनी क्या है, पौधों के जीवाश्म के अध्ययन को हम पोलियोबॉटनी कहते हैं। फाइटोजेनिक क्या होता है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। फाइटोजेनिक क्या है, तो पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन को फाइटोजेनिक कहा जाता है। पोमोलॉजी क्या कहते हैं, तो इसके अंतर्गत में फलों के उत्पादन, श्रद्धा, सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन जो है वो किया जाता है पोमोलॉजी के अंदर में। सेरिकल्चर क्या होता है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया में रेशम पालन को ही आपको याद रखना है, सेरिकल्चर के अंदर में रेशम पालन या रेशम के कीड़े का पालन जो होता है वो। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि। और हॉर्सिकल्चर में क्या होता है, सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालन करने की क्रिया को हॉर्सिकल्चर कहते हैं। ठीक है, मेरिकल्चर क्या होता है, तो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को हम मेरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर किसको कहते हैं, तो जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीसी कल्चर क्या होता है, तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। सिल्वी कल्चर क्या होता है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हम सिल्वी कल्चर कहते हैं। वीटी कल्चर किसको कहते हैं, तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर उत्पादन को वीटी कल्चर कहते हैं। वेजी कल्चर किसको कहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि को हम वेजी कल्चर कहते हैं, और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ओलवी कल्चर किसको कहते हैं, तो व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि को हम ओलवी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब कीड़े मकोड़ों वाला, तो केचुआ पालन की क्रिया को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो था एक डेमो क्लास था आपका, किस पे, कृषि विज्ञान पर आधारित। ठीक है, ये आप पीडीएफ पेड ग्रुप से ले सकते हैं, वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। तो सारा कुछ जो है वो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
कृषि प्लस विज्ञान आपको समझ में आ गया है। अब आगे जो लेक्चर होगा ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए ये सारे जो लेक्चर है ना थोड़े बोरिंग से होंगे, लेकिन आपको क्या है पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो उसके अंदर में हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्या करेंगे एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप इसके करेंगे पुराने क्वेश्चनों को मिलाकर नए क्वेश्चनों को मिलाकर, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, उससे ही आपको सारा कुछ जो है वो पता चलेगा। और पार्ट टू के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पार्ट वन में फोकस अच्छा करना पड़ेगा। पार्ट वन जो है आप सीजीपीएससी की तैयारी के टाइम पर अच्छे से पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ को, जितना अच्छे से आप छत्तीसगढ़ के नॉलेज को रखेंगे उतना ही आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। तो जो ऊपर पार्ट वन का जो स्कोर है वो 300 में से आपको स्कोर अच्छा करना है, बाकी पार्ट टू के 300 में से आपको ठीक ठाक स्कोर कर लेना है, ताकि आपका जो है एवरेज स्कोर जो है वो 350-400 के नंबर के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, 350-400 के आसपास या 300-350-400 के आसपास। तो इस प्रकार में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो आपको जो है 300 नंबर जो फर्स्ट पेपर का है उसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, सेकेंड पेपर में आप ठीक ठाक स्कोर भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक डाउट था, एग्जाम पहले होगा कि पहले क्या होगा फिजिकल होगा, तो एग्जाम पहले होगा उसके बाद में फिजिकल होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा, सारे कमेंट पढ़े जाएंगे, उसके एनालिसिस के बाद में और वीडियो जो है वो बना जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिंद जय भारत।